इस के ड्रामा को देखते हो तो भाई दो सरप्राइजिंग चीजें हुई अभी तक। पहला, जब हीरो का इंट्रोडक्शन होता है इसमें, यानी कि रेन का, भाई तबला बजता है इसमें, इंडियन म्यूजिक। दूसरा, इसकी IMDb, आई डोंट नो किस रीजन की वजह से, बट भाई उसकी बुच मरी पड़ी हुई है। एनीवे, उससे अपने को क्या मतलब है? मेन मुद्दा ये है, समझ रहे हो ना, मजा कितना देता है ये आपको। डिस्कस करते हैं सब कुछ वन बाय वन। तो देखो भाई, हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर एक नया केड्रामा आया है जिसका नाम है रेड स्वान। वीकली आएगा, टोटल 10 एपिसोड हैं। अभी के लिए 2 एपिसोड आए जिनको मैंने देख के निपटा दिया। बाकी भाई हॉटस्टार पे आए तो आपको पता है कि भाई क्या चीज नहीं पूछना है, तो उसको साइड में करके अगर बात करें इस केड्रामा की, तो यही मैं बोलूंगा, अभी तक इसमें जो चीजें देखने को मिली 2 एपिसोड में, वो इंटरेस्टिंग तो बहुत ज्यादा है बट क्लिशेड है। मतलब केड्रामा का जो बैकग्राउंड है ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट करेगा जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है। ना, इन 2 एपिसोड के बेसिस पर इस केड्रामा का जो थीम है आपको बहुत से केड्रामा का मिक्सचर प्रेजेंट करता है, जिसमें भाई जो जर्नी है आपको एक अपनी कह सकते हो एक्ट्रेस की फॉलो करनी है, जो कि दोस्त काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, चैरिटी वगैरह करती रहती है, जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करती है। लाइफ में उसने एक और कांड किया है, ISIS जो होती है उससे उसने एक बच्ची को बचाया, जिसकी वजह जो वो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट की उसके पीछे पड़ा हुआ। एक दिन वो अपने काम से रिलेटेड मनीला जाती है एंड वहीं पर भाई उस पर हो जाता है अटैक। भाई साहब, जो वो अटैक दिखाया पहले एपिसोड में, मजा आ गया। वहां पर भाई स्लोमो शॉट के साथ जो एक्शन देखने को मिलेगा एंड जो आपको खून देखने को मिलेगा, ब्लड बाथ, भाई भाई एक नंबर था एकदम। लेकिन कहानी पर वापस आए तो जब अपने एक्ट्रेस पर अटैक होता है तो वहीं पर अपने रेन की एंट्री होती है, जो कि अपने दोस्त के मर्डर का भाई वहीं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मतलब उसका एक दोस्त था जिसको किसी ने मार दिया। तो भाई जब ये दोनों वहां पर मिलते हैं तो उसके बाद रेन उसका कैसे बॉडीगार्ड बन जाता है एंड अब आगे इन दोनों की लाइफ में क्या क्या होने वाला है एंड जो अपनी लड़की है उसकी हिस्ट्री मिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली की बैकग्राउंड मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। देखो, इस केड्रामा के अगर थीम की बात करें तो इस पर अभी हॉटस्टार पर ही एक सीरीज आई थी, पैंडोरा बीनीथ द पैराडाइज, पेंटहाउस के मेकर्स की थी। और भी आपको बहुत सारे केड्रामा मिल जाएंगे जैसे कि बॉडीगार्ड। तो जो इस केड्रामा का थीम है वो देखा देखा आपको जरूर फील होगा। इवन कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप प्रेडिक्ट भी कर लोगे कि अपना हीरो अपनी एक्ट्रेस के साथ ये करे। जैसे कि एपिसोड 1 में वो टॉवल से जब ब्लड पोंछता है तो मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई इन दोनों का दिखाएंगे यहां पर। केड्रामा की जो कुछ चीजें हैं भाई, इसकी जो क्लिशेड है उसको हटा करके अगर इसके अच्छी साइड की बात करें तो अभी जितना मिर्च मसाला दिखाया गया वो काफी इंटरेस्टिंग है, चाहे वो ड्रामा हो, कैरेक्टर्स की हिस्ट्री मिस्ट्री हो या फिर जो आपको एक्शन पीसेस देखने को मिलते हैं, काफी काफी ज्यादा बढ़िया एंड टेंस थे। कैरेक्टर बेस्ड मिस्ट्री तो हाई है बट साथ ही साथ आपको एक मर्डर मिस्ट्री भी देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको इस केड्रामा की दुनिया के साथ हुक कर देगा पहले ही एपिसोड में। बाकी प्रोडक्शन वैल्यू एंड जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस वगैरह अभी तक देखने को मिल रही है, भाई एक नंबर है। ओवरऑल वीडियो को लंबा ना करते हुए एंड बहुत ज्यादा हाइप्ड अप ना करते हुए मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि भाई अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन रोमांटिक केड्रामा देखना पसंद है, जहां पर आपको एक लड़की देखने को मिले एंड उसका बॉडीगार्ड अपना हीरो है जो कि किसी भी हद तक चला जाएगा उसको बचाने के लिए, देन डेफिनेटली भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस केड्रामा को देखना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इन 2 एपिसोड के बेसिस पर अभी तक इस केड्रामा में जो चीजें देखने को मिली वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है एंड काफी अच्छी जा रही है एंड फिंगर क्रॉस है कि आगे जाके ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी जो एक्शन ड्रामास देखना पसंद करते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि भाई उनको ये काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि एक्शन इसके काफी ज्यादा बढ़िया दिखाए गए अभी तक। भाई जब ये केड्रामा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा मैं इसको देख के खत्म कर लूंगा, तो इसके आगे के डिटेल मैं आपको दे दूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए मेरी तरह से रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दो। वीडियो काम के लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।